बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब एक बार फिर परेशान हैं और वो समझते हैं कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट में कोई डील हो गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने अपनी तोपों का रुख अब इदारों की बजाय खान साहब की तरफ कर दिया है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा पिछले कुछ अरसा में रिलीफ हासिल करके नैब की तहवील से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अचानक ही मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमा ये इतराफ करते पाए जा रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, यानी अब वो इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। तो यही बात खान साहब के लिए परेशानी की है। खान साहब और उनके वज़रा इस बात पर तिलमिलाए हुए हैं कि कहीं एस्टेब्लिशमेंट से मुस्लिम लीग नून की लाइन फिर से सीधी तो नहीं हो गई और मुस्लिम लीग नून ने एहतियाजी तहरीक या मुज़ामती सियासत तरक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट का बयानिया अख्तियार करके खुद को मजलूमों की सब में शामिल कर लिया। अपोजिशन को अफगानिस्तान के हवाले से तवील ब्रीफिंग के बाद से सियासी सूरत हाल अचानक बदल चुकी है। पीडीएम ने 29 जुलाई को जो कराची में जलसा करना था वो जलसा पोस्टपोन करके उसे यौम आज़ादी के जलसे में तब्दील कर दिया। इसके अलावा मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर कंपेन में हर तकरीर में अब हुकूमत को खुसूसन खान साहब को निशाना बना रही हैं। उनका टारगेट है खान साहब और आज़ाद कश्मीर के जलसों में मरियम नवाज पूरी तरह छाई हुई हैं। बिलावल भुट्टो मैदान खाली करके यानी इंतहावी मुहिम को छोड़कर उससे भी ज़्यादा अहम मिशन पर अमरीका जा चुके हैं। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कहाँ और कहाँ फेडरल हुकूमत के मजे, तो कहने वाले ये कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर उनके मुखालफिन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो अमरीका अपनी CV देने के लिए गए हैं, यानी अमरीकी हुकूमत के साथ कोई अट्टी सट्टी लगाने गए हैं। तो बिलावल भुट्टो ने मैदान तो खाली छोड़ दिया, अब मैदान में अकेली खड़ी है मरियम नवाज और उनकी तकरीरों ने मुखालफिन को इतना बौखला दिया है कि उन्होंने उल्टी सीधी हांकनी शुरू कर दी है, यानी भुट्टो गद्दार, नवाज शरीफ गद्दार और पता नहीं इस किस्म की बातें आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हो रही हैं, जिसका एक रिफ्लेक्शन सेनेट के इजलास में भी आया और सेनेट में भुट्टो को गद्दार कहने पर खासी हंगामा आ रही हुई है। पीपल पार्टी ने इस पर खासा एहतजाज किया, नारे लगवाए, बाद में रज़ा रबानी ने इस पर माफ़ी मांग ली, लेकिन सेनेट का माहौल इस तरह का बन गया जैसे कोई मछली बाजार हो। तो लगता यू है कि अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है। बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका और मुस्लिम लीग नून के जलसों में वजीर आजम को टारगेट करना, ये है खान साहब के लिए इस वक्त परेशानी का बायस। इससे पहले खान साहब कई बार कामयाबी से सियासी चालें चल चुके हैं और अपने सियासी मुखालफिन को इदारों के रूबरू ला खड़ा कर चुके हैं। जब भी मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट में ये तासुर पैदा हुआ, यानी इन दोनों के बारे में तासुर पैदा हुआ कि ये करीब आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी सियासी मूव हुई जिसके बाद दोनों आमने सामने हुए। नवाज शरीफ के जलसों से लेकर और वो जो लाहौर का जलसा था, ये सब माजी का किस्सा बन चुके हैं, लेकिन इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि अपोजिशन और इदारों में खासी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ खासी टसल रही है। तो अब वो माहौल नजर नहीं आता। तो हुक्मरान जमात ये समझती है कि उनके सियासी मुखालफिन की इदारों के साथ नाराजगी रहे, गलतफहमी रहे या लड़ाई रहे, तो इसी में उनकी भलाई है। खान साहब इस तरीक़ेकार पर अमल करके पिछले 3 साल से अपना इख्तदार बचाने में कामयाब रहे। तो बहुत से लोग मुझ समेत ये असेसमेंट कर रहे थे कि अपोजिशन डर गई है या पीछे हट गई है, लेकिन जब हमने थोड़ा सा इसको इस पर वर्कआउट किया तो पता चला कि ये बात इतनी दुरुस्त नहीं है। अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है। वो कहते हैं ना, सियासत में कोई बात हरफे आकर नहीं होती, तो कहीं एहतजाज की पॉलिसी थी तो कहीं उन्होंने एक दूसरी लाइन अपना ली है, क्योंकि हुकूमत तो ये समझ रही है इस वक्त, बल्कि वो दावा करती है कि अपोजिशन में इतनी ताकत नहीं है कि वो हुकूमत के लिए खतरे का बायस बन सके। और जिन्होंने फजल रहमान को एक कामयाब धरने से उठाकर वापस भेज दिया था और पंजाब में सीटें दिलवाने का लालच देकर PDM से बिलावल भुट्टो को निकाल लिया था, तो उनका तो मिशन कामयाब हो चुका है, उन्हें एक वजारत तोहफे में मिल गई है, लेकिन असल खतरा अब भी मौजूद है। और इख्तदार कांटों की सेज होती है, इस पर कोई भी रात सुकून की रात नहीं होती। अब फिर से परेशानियां शुरू हुई है। अब खान साहब उनके करीबी हलकों में जो हमारे जराए बताते हैं शहबाज शरीफ डिस्कस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई ऐसी गेम डाल दी है कि नून लीग जो बड़ा मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर चल रही थी वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है। और नून लीग के कई रहनुमा में खुद आकर ये इकरार कर रहे हैं कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, यानी हाथ खड़े कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर हो रहा है
कि नून लीग वाले ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजामती सियासत के हामी नहीं रहे, और यही बात खान साहब और उनके वज़रा के लिए इस वक्त तशवीश का बायस है कि अगर मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट में किसी भी लेवल पर एनी लेवल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो फिर मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा तब्दील होगा। अब वो क्या है? वो ये कि इस वक्त अपोजिशन की स्ट्रेटजी में जो प्रायोरिटी है, जो तरजीह है, वो ये है कि खान साहब को दोबारा इकतदार में आने से कैसे रोका जाए। पहली स्ट्रेटजी तो ये थी कि खान साहब को इकतदार से निकाला कैसे जाए। अब वो काम शायद कहीं रुक गया है, या उसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, या खुद ये समझ लिया गया है। बल्कि ये बात आपको पता है, बहुत से प्रॉब्लम में कह चुका हूँ कि अपोजिशन इस बात में इंटरेस्टेड नहीं कि खान साहब को घर भेजा जाए। अपोजिशन इस बात में इंटरेस्टेड है कि खान साहब को अगली हुकूमत में नहीं होना चाहिए, और अपोजिशन हुकूमत गिराने से ज़्यादा इस बात की कोशिश कर रही है कि खान साहब को अगली बारी ना मिले या खान साहब की हुकूमत ना हो। वैसे तो जो कारकर्दगी और गवर्नेंस है वो तो ये जाहिर करती है, और ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि कोई भी सियासी जमात जो फेडरल गवर्नमेंट में 5 साल पूरे कर चुकी हो या ना भी कर चुकी हो तो नेक्स्ट टर्न उसकी नहीं होती, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अब ये समझा जा रहा है कि एक तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, और दूसरा इसके बावजूद वो जो ताकतें खान साहब को लाई थी, ये समझ रहे कि उनके पास खान साहब के अलावा कोई चॉइस नहीं, तो उनको चॉइसेस दी जा रही हैं, उनके तफजात दूर करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुल्क को जो है बहरानों से निकाला जा सके। खान साहब इस वक्त अकलौती चॉइस होने की वजह से और बुरी परफॉर्मेंस या बैड गवर्नेंस के बावजूद जो है वो इख्तदार में मौजूद है, क्योंकि चॉइस नहीं है। बकौल बहुत से ज़राए समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से कंसर्न हैं, अगर वो दूर हो जाते हैं या दूर किए जा रहे हैं तो फिर खान साहब के लिए जो है दोबारा इख्तदार में आना, उस फार्मूले को कहीं ना कहीं ब्लॉक किया जा सकेगा। तो आज़ाद कश्मीर के जलसों में मरियम नवाज़ जो है वो जगह जगह खिताब कर रही है, और इस वक्त पूरी तरह आज़ाद कश्मीर में जो इंतहाबी मुहिम है उस पर हावी नज़र आती हैं, और उनका निशाना क्या है उनकी एक तकरीर आपको दिखाते हैं। एक कुर्सी की खातिर तुमने 22 साल की जिद्दोजहद को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सियासतदान या जो आवाम के लीडर होते हैं वो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होते, वो आवाम के दिलों में बसने के लिए होते हैं। वज़ीर दाखला शेख रशीद ने दावा किया है कि खान साहब यानी वज़ीर आज़म दीवार के उस पार देखने की सलाहियत रखते हैं। खान क्या चाहता है? इमरान खान की वीएन दीवार से पीछे देखने की सलाहियत है, दीवार के सामने पढ़ने की सलाहियत नहीं। वो सियासतदान फिर जेलों में आपने डाले जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को नोचा, इस मुल्क को आज इस महंगाई के दलदल में फेंका। ये उन्हीं चोरों और लुटेरों की वजह से ये मुल्क आज इस दलदल में फंसा है। आप मुकद्दर के सिकंदर हैं, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में भी आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं। मेरे मौला को मंजूर हुआ, और अगर अल्लाह सुबहान ताला को मंजूर हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब, तो अगली हुकूमत भी आप बनाएंगे। मेरी दुआ है, पता नहीं मैं जिंदा हूँ उस वक्त या ना हूँ। जिस वज़ीर आज़म को रुपये की कदर गिरने का पता टी वी से चले, और टी वी से पता चले कि डॉलर महंगा हो गया, जिनकी अहलिया को ये बताना पड़े कि वो वज़ीर आज़म हैं जिन्हें जर्मनी और जापान की सरहदों का इल्म ना हो, जिनकी नाक के नीचे चीनी के नाम पर लोगों की जेबों से अरबों रुपए लूट लिए जाएं, अद्वियात की कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत के एवज़ अद्वियात की कीमतों में 400% इजाफा कर दिया जाए, जिनका यूटर्न लेने में कोई सानी ना हो, कोई फैसला करे तो उस पर ठहर ना सके, IMF से कर्ज ना लेने का ऐलान करें और कर्ज़ों पर कर्ज लेते जाएँ, तो जिनकी नाक के नीचे पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, गंदम माफिया
और एक लाइन लगी हुई है, वो सब अरबों रुपए की लूटमार करें और वजीर आजम को खबर तक ना हो उनके बारे में, ये दावा कि वो दीवार के दूसरी तरफ देख सकते हैं, मुबालगा नहीं तो और क्या है? हाँ साहब का विजन अंडे कट्टो बच्चों और प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसों से शुरू होकर लंगर खानों और पनागाहों पर आकर थम चुका है। हाँ साहब का विजन बड़ा होता तो 3 साल बाद भी ये मातम ना किया कर रहे होते कि जाने वाले मुल्क तबाह कर रहे हैं। 3 साल बाद तो हम, वो कहते ना रावी चैनी चैन लिख रहा होता, हम मजे लूट रहे होते। लेकिन खान साहब दीवार के दूसरी तरफ देखने की सलाहियत रखते हैं, अगर ऐसा होता तो मुल्क से एक भी सरमायाकार ना भागता। हाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्हें पता होना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का कहा हुआ एक एक लफ्ज बहुत कीमती होता है। तो खान साहब ने करप्शन का इतना शोर मचाया कि दुनिया डर गई, ना कोई सरमायाकार आया, जो था वो भी भाग गया, ब्यूरोक्रेसी काम छोड़कर बैठ गई, महंगाई लोगों के सर पर चढ़कर नाच रही है। तो जिन हुक्मरानों के विजन होते हैं वो उसका मुजाहरा भी करते हैं। आज किसी का विजन आप देखें तो मोटरवे की सूरत में नजर आता है, मेट्रो की सूरत में नजर आता है, किसी का विजन एटमी ताकत की सूरत में नजर आता है। तो विजन तो ये होते हैं जो आने वाले वक्त को फोर्सी करते हैं, उसका अंदाजा लगाते हैं, वो लीडर कहलाते हैं। तो दीवार के दूसरी तरफ देखने वाले और होते हैं, वो बहरान पैदा नहीं करते बल्कि बहरानों का हल निकालते हैं। तो खान साहब की तारीफ करना का जरूरी है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हम भी कर लेते हैं, लेकिन इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। खान साहब की जो सारी सोच है वो अपने सियासी मुखालफिन के इर्द गिर्द घूमती है, उसी पर आकर रुक जाती है। ये अलग बात है कि वो किस्मत के धनी है और इकतदार का हुमा उनके सर पर बैठा हुआ है। मेरे नज़दीक अगर खान साहब विजनरी लीडर होते तो इस मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाते, सियासी माहौल को आइडियल रखते, लोगों का मोराल हाई करते और ये गालम गलोच और ये नफरत की बुनियादों पर जो सियासत हो रही है इसको ख़त्म करते, सियासी बुनियादों पर लोगों को तकसीम ना करते। तो खान साहब दीवार के पार देख सकते तो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने का दावा ना करते बल्कि उसकी प्लानिंग करते, उसकी एग्जीक्यूशन करते ताकि लोगों को नजर आता कि वाकई कुछ हो रहा है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। इस मुल्क में बहुत बातें हो रही है सॉफ्टवेयर अपडेट की, जो इन दिनों की टॉप स्टोरी है। फैसल वाडा उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमत के वजीर हैं, देखते हैं कि हुकूमत इस बात को कैसे देखती है और समझती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब क्या होता है। वॉच फैसल वाडा। नदीम भाई साहब, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई कि स्मार्ट स्पीकर, एक समझदार बात करने वाला आदमी है, वो क्या एडमिशन कर रहा है। ये मुझे ज़रूर पता है कि इस वक्त वज़ीर आज़म के कैंडिडेट्स में एहसन इकबाल अपना रिज्यूमे लेके खड़े हैं, मरियम नवाज़ अपने केसेस माफ़ कराने के लिए खड़ी हैं और बाहर जाने के लिए खड़ी हैं, और फिर आगे प्राइम मिनिस्टरशिप का रिज्यूमे वो लेके खड़े हैं, शहबाज शरीफ साहब का रिज्यूमे, वैसे आपको पता है यहाँ से शुरू करें तो सड़क तक ख़त्म हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब का भी रिज्यूमे है, एक आध और भी हैं। तो ये तो अभी तक तो कशमकश इंटरनल चल रही है कि कौन ये वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं आपके ख्याल में सारे? सब अपने सर देखे, आज ही मैं बैठ के सोचूंगा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ और मैं अपना रिज्यूमे पेश कर दूँ और आपको समझूंगा आप सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो मेरी ना अहली या। लेकिन आपने जिनके नाम लिए, ख्वाजा आसिफ का, शहबाज शरीफ का, एहसन इकबाल का, फिर तो ये सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करवाए हैं आपने ना, सारों की कैसे रिहाई? सर असल असूल तो सर फोन वो ज्यादा अच्छा होता है जिसका बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट ना किया जाए, क्योंकि आपकी हरकतें और काम ऐसे होते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाना चाहिए और किया जाता रहा है। तो मैं तो इसको यही लूंगा कि अगर आप काम सीधे रखेंगे तो फिर कोई दुनिया का कंप्यूटर नहीं जो आपका सॉफ्टवेयर। आपके अपने कामों के बारे में, अपनी हुकूमत के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि वो तो सबकी तरफ इशारा कर रहे हैं, एक इस पे कमेंट भी हो जाए। सर अगर किसी, अगर कोई मेरी गवर्नमेंट की तरफ से ख्वाजा आसिफ के तर्ज सियासत या तर्ज अमल पे चला है तो उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा। सिंपल। कोई माने या ना माने, ताकत और जबर से लोगों को वक्ती तौर पर राय बदलने पर मजबूर किया जा सकता है, सोच नहीं बदली जा सकती। अगर ऐसा होता तो आज जुल्फकार अली भुट्टो का कोई नाम लेवा ना होता, भुट्टो जिंदा ना होता। मरहूम जनरल जावलक ने पूरी कोशिश की कि भुट्टो का नाम लेवा कोई ना रहे और उन्होंने पूरे 11 साल उनका जो दौरे हुकूमत था, दौरे आमरियत, उसमें भुट्टो का वजूद और उनकी जमात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की।
लेकिन जब वक्त बदला तो लोगों ने वही किया जो उनकी सोच के मुताबिक दुरुस्त था। आज बज़ाहिर मार्शल्ला नहीं है, दौरे आमरियत भी नहीं है, जमहूरियत है, मुंतखब वज़ीर आज़म है। हाँ, उनके मुखालफिन उनको कुछ भी कहें, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, मगर हालात वही है। आज भी सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं, और इसलिए किए जा रहे हैं कि बहुत सी ताकतों के नज़दीक नवाज शरीफ एक वायरस है, और नवाज शरीफ को वायरस करार देकर लोगों के जहनों से उन्हें खुरचा जा रहा है। अब ये तो वक्त बताएगा कि इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिली या नहीं मिली। फिलहाल तो नविश्ता दीवार सामने है जिस पर लिखा हुआ साफ नज़र आ रहा है, और तारीख भी बताती है कि सॉफ्टवेयर पहले भी अपडेट होते रहे, लेकिन होता वही है जो आवाम चाहते हैं। और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, खुद वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जरा उनकी भी सुन लें। मैंने, बहुत शुक्रिया मालिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसका एतराफ़ खुद किया है, कोई मेरे ऊपर आप लेबल नहीं लगा रहे, मैंने खुद इसका एतराफ़ किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि वो एक आज 22 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, उस वक्त में या उस ज़माने में हालात इतने मखदूश नहीं थे, या परहैप्स हमारी जो फिज़ा थी, सियासी फिज़ा थी, या जो माहौल था हमारे मुल्क का, उसमें टेंशन्स मौजूद थी, इख्तलाफात भी थे, तलखी भी थी, एक्रमनी भी थी, लेकिन जो आज नज़र आ रहा है वो हमारे माजी में किसी मरहले पे नज़र नहीं आया। और कुछ उम्र का भी तकाजा है, 22 साल ओल्डर एंड वाइजर, एंड Perhaps wiser, more pragmatic. Pragmatic जो है ना, लोग उसका गलत मतलब ले लेते हैं, तो मैं नहीं, आज वज़ीर आज़म ने जो pragmatic हरकत की है, उन्होंने मोना सलाई को बना लिया है वजीर, तो pragmatism नहीं है। मैंने एक बंदे से पूछा था, उन्होंने कहा ये pragmatism है। मैंने कल ये बात एक मुख्तलिफ अंदाज में कही है कि हम सियासतदान अपने इक्तदार के लिए जो है ना, जितने कंप्रोमाइज करते हैं और जिन जिन से रजू करते हैं, मसलन शहर के उस पार भी जो है रजू करते हैं, बल्कि पिंडी फौज खुल के बात करें, क्या है इसमें? नहीं, मेरा मतलब है कोई चीज़ जो है ना, वो उसका तरीका भी, बयान करने का तरीका भी होता है। तो वो मेरा अपना ख्याल है कि मेरी जो भी मेरा तजर्बा है कि हम लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो हमें सारे असूल भी याद होते हैं, सियासत हमारी बड़ी प्रिंसिपल्ड हो जाती है। ये हमारा 70 साल का 72 साल का अलमिया है, मैं किसी एक शख्स को या एक पार्टी को जो है इसका मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा। और ख्वाजा आसिफ के बाद ज़ुबैर उमर, साबिक गवर्नर सिंध हैं, वो भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, तो उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर दोनों क्लिप के ऊपर तबसरा या तजिया देंगे। बाकी आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कई दफ़ा कोशिश हुई, ये कौन सी फैक्ट्री है जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिश की जाती है, और कैसे और कौन से प्रोग्राम के जरिए? काफी दफा की गई है, आपने सही कहा, मैंने शायद पहले कहा था, ये नहीं कहा था, बट 2017 में पहली दफा ट्राई किया गया था, फिर 2019 तक बिल्कुल कोशिश की गई। सर, एक टेक्निकल सवाल है, देखे इसमें अगर एक इजाजत दे, क्या खराबी क्या है? देखे ना, अल्लाह ताला ने, कोई जरूरी तो नहीं है कि आपके कार पर झंडा ही लगा होना चाहिए, आपको इज्जत वैसे भी मिल सकती है, सब बड़ा मजा आता है हुकूमत में होने का, मैं उससे नहीं कह रहा, लेकिन ऑपोजिशन में रहने का मेरा ख्याल है फर्ज बनता है, किसी को तो ऑपोजिशन भी करनी चाहिए। ज़ुबैर साहब, माशाल्लाह स्मार्ट गैजेट्स काफी सारे इस्तेमाल करते हैं, और आप उसमें देखते हैं कई दफा मैसेज आ रही सॉफ्टवेयर अपडेट फेल्ड, तो आपने कहा 2017 से आप पे कोशिश होती रही, आपका सॉफ्टवेयर क्यों फेल होता रहा अपडेट बार बार? मैंने जिस तरह कहा कि एक नजरिया होना चाहिए, और नजरिया काफी स्ट्रांगली आप अपने नजरिए के साथ खड़े, क्या ये वजह तो नहीं कि ख्वाजा आसिफ साहब अभी जिस बेल पे बाहर आए हैं, और पहले इनका सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गया, FIA ने भी तहकीकात की, अब नैब इनकी तहकीकात कर रहा है, तो उस प्रेशर में आके कोई मुफामती किस्म का मैसेज भेजना चाह रहे हो ख्वाजा आसिफ? नहीं नहीं, देखें, एक तो ये आपने पहले भी 10 दफा 50 दफा
जिक्र हुआ है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जब देखा जाता है तो पीएमएलएन में भी बात की जाती है कि एक मुजाहिमत वाला एक नैरेटिव है, एक मुफाहिमत वाला है, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की बात की जाती है। तो शहबाज शरीफ का पॉइंट ऑफ व्यू को मुफाहिमत का कोई आज कोई प्रेशर की वजह से तो नहीं चेंज हुआ, उनका 1990 की दहाई में भी इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब साफ अल्फाज में या सादा अल्फाज में ये होता है कि किसी की तबीयत साफ करना। कंप्यूटर में तो सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं ना, कोई वायरस आया हो या सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई नई चीज़ ऐड हुई हो तो आप ना चलाएं तो अपडेट किया जाता है। लेकिन जो सियासत में या हमारे जो सियासी हालात है, मुल्की हालात, इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब सीधा सीधा है तबीयत साफ करना। पुलिस भी जब किसी मुल्ज़िम को पकड़ती है ना तो कहती है जनाब ए हुन मन गया है, तबीयत साफ हो गई है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अब दूसरे लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करें तो वो सियासी रहनुमा जिनका बयानिया किसी को पसंद नहीं, उनकी तबीयत साफ कर दी गई है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब या तो उस बयानिए पर कायम रहेंगे या उस बयानियों को लेकर ज़्यादा शोर नहीं मचाएंगे। साबिक गवर्नर जुबैर उमर के मुताबिक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, हाजा कह रहे हैं उनका हो गया। अब जुबैर उमर ये कहते हैं कि इकतदार ही सब कुछ नहीं होता, इसका मतलब सियासी मुखालफिन को तोड़ना या उनकी जमात से वाबस्तगी ख़त्म करना, ये भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना कहलाता है। अगर इस थ्योरी को देखें तो फिर मुस्लिम लीग नून में किसी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में से लोग मुस्लिम लीग नून छोड़ के नहीं गए। हाजा असम भी उन्होंने भी अपनी जमात को नहीं छोड़ा, गवर्नर साबिक गवर्नर जुबैर उमर वो भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने का मतलब सिर्फ तबीयत साफ होना है, बाकी कुछ और नहीं। आप किसी को उठाकर जेल में बंद कर दें, डाल दें, उन्हें ज़हनी अजियत से गुजारें तो अच्छे अच्छों की तबीयत साफ हो जाती है। सियासतदान जेलों से नहीं डरते, हमेशा इससे पहले माजी में देखे तो बहुत से सियासतदान जेल में गए और लोग ये कहते हैं सियासत में जो है जेल में जाना ये सियासतदान का एक प्राइड होता है। लेकिन अगर उन जेलों में सियासी कैदियों से सियासी कैदियों जैसा सलूक किया जाए तो जेल को एजाज समझा जाता है। जो हमारी सियासत का माजी है उसमें सियासतदानों के साथ सियासी कैदियों जैसा सलूक किया जाता था, आज वो नहीं है, आज वो माहौल नहीं। यही बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अब जेल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको सियासी कैदी है, अब सियासत करना एक जुर्म बन गया है, जेलों में डालकर बदतरीन सलूक किया जा रहा है, तो फिर तबीयत खुद ब खुद साफ हो जाती है। अब एक अच्छा वाला बंदा सूटेड बूटेड वो सियासत में आया बेचारा, उसको उठा के जेल में डाला, उसको ज़हनी अज़ियत दी, तो वो सोचता है कि वो सियासत में आया क्यों है। तो जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि सियासी माहौल वो नहीं है जिसमें सियासतदान के साथ सियासी कैदी जैसा सलूक किया जाता है, तो इसलिए बंदा सोचता है कि कोई और काम कर ले वही चंगा है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक में वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ रहे में इफ्तिखार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अब एक और अहम मसले पे बात करते हैं। इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम वाकया पिछले दिनों C11 में हुआ, जिसमें एक लड़के और लड़की की वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो मामला उसमें बहुत सी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, मीडिया पर बहुत हाईलाइट हुआ। उस्मान मिर्ज़ा और उनके साथी गिरफ्तार किए गए। उस्मान मिर्ज़ा वो था जिसने खातून को जो है वो उससे बदतमीज़ी की, बदतहजीबी की। तो मैं ज़रा चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ज़रा ढके छुपे अल्फाज में बात कर सकता हूँ, तो सेनेट की कायमा कमेटी बरए दाखला उसमें ये आज मामला सामने लाया गया, तो उसके वाले से कुछ हमारे पास इतलात हैं। उसमें चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने ये सवाल पूछा पुलिस से, जो भी लोग वहाँ पर आए थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनसे पूछा कि अब तक इस हवाले से क्या एक्शन लिया गया, क्या वीडियो 5 मिनट से भी ज़्यादा है, इसे इतना वायरल होने से रोका क्यों नहीं जा सका। तो इस्लामाबाद पुलिस हुकाम ने कमेटी को बताया कि ये वाकया नवंबर 2020 का है और जैसे ही वीडियो वायरल हुई इसकी FIR दर्ज कर दी गई है। इस वीडियो में खातून को बरहाना करने की कोशिश की गई, जिस पर हमने मुल्ज़मान पर वो सेक्शन लगा दिए जिसकी सज़ा मौत है, यानी उस्मान मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो दफात लगी हैं उनकी सज़ा मौत है। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि मुतासरीन तक हम पहुँचे हैं, वो ज़रा ख़ुद को लो प्रोफाइल में रखना चाहते हैं, और मुतासिर ने यह भी कहा कि मुल्ज़मान ने उनको ब्लैकमेल करके उनसे 11 लाख रुपए लिए, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
और उनको सिक्योरिटी देने से मुतल्लिक भी बात हुई है, लेकिन वो किसी सूरत में हाई प्रोफाइल नहीं आना चाहते। यानी कंप्लेनर वो खातून और वो साथ जो बंदा था जिन्होंने आपस में शादी कर रखी है, और जब ये केस आपको सब मालूम है तो पुलिस ये कहती है कि हम उन्हें ज़बरदस्ती किसी के सामने नहीं ला सकते। यानी अब मुदई जो है वो कहीं इस केस में से गायब हो रहा है या उसे गायब किया जा रहा है। तो सेनेट कमेटी के सामने, कायमा कमेटी के सामने पुलिस ने कहा है कि हमने ये कहा उनसे कि हम सादा लिबास में सिक्योरिटी आप पे लगा देते हैं, लेकिन वो इस बात पर भी राजी नहीं। तो पुलिस ये कहती है कि 7 से 8 अफराद जो हैं वो पुलिस की तहवील में है, और मरकज़ी मुलज़म और वीडियो बनाने वाले 2 अफराद तहवील में है, जबकि दूसरे कोई का और शख्स है जिस गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, और मुलजमान का जिस्मानी रिमांड लिया गया। तो इनकी मोबाइल जो फ़ोन है उनकी सर्च की गई है मुलजमान की, तो कोई और वीडियो नहीं मिली। पुलिस ये भी कहती है कि मुलजमान के बारे में बहुत ये कहा जा रहा है, जी वो अमीर है, रबते में है, लेकिन मुलजम इतना बड़ा नहीं है, बस उसे स्टार बनने का शौक है। मुलजम की पहले भी टिकटॉक वीडियो है, तो ऐसा कोई वेल कनेक्टेड नहीं है, बड़े लो प्रोफाइल मासूम से बच्चे हैं। तो ये आज सेनेट की जो कायमा कमेटी को जो पुलिस ने बयान दिया उसके मुताबिक तो ये बड़े सादा से लोग हैं, ऐवे शौकीन से लोग हैं वीडियो बनाने के, और उन्होंने इस मजाक मजाक में जाके एक जोड़े की प्राइवेसी के ऊपर इंटरप्ट किया, फिर उस खातून को कहा कपड़े उतारो, और फिर खुदा नास्ता उसके साथ बहुत किया। जो हमारी इतलात है जो मीडिया पे है 2.5 घंटे की वीडियो है, और पुलिस जो है वो कह रही है एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई, बल्कि मेरे पास भी कुछ ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जो पता नहीं ज़ाहिर है होंगी तो आई हैं, जो कि बताती है कि वो तवील वीडियो है। और एक ये भी अभी पुलिस ने कहीं जगह पे पुलिस ने ये नहीं कहा कि उस खातून के साथ कोई ज्यादती की गई, कोई फिजिकल इंट्रैक्शन किया गया। तो जो पुलिस का बयान है सेनेट कायमा कमेटी के सामने वो तो ये बताता है कि ये उस्मान मिर्ज़ा बड़ा मासूम सा आदमी है, ऐवे शौकीन सा स्टार बनने का शौकीन है, टिकटॉक वीडियो बनाई, जबकि पूरे मीडिया पे और सबको ये मालूम है कि वो एक बासर आदमी है, और बहुत से बासर लोगों ने कोशिश की कि इनको वहाँ से रिहा कराया जाए, लेकिन चूँकि ये एकदम केस जो है वो सोशल इशू था, इस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने रिएक्शन दिया, सबको लगा कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है, तो बहुत ज़्यादा ये केस हाईलाइट हो गया है। तो अब वो मुलजमान जो है वो पुलिस की तहवील में है, और पुलिस जो है वो उन्हें मासूम बना के पेश कर रही है, और उस जोड़े को भी सामने नहीं ला रही, बल्कि ये कह रही है वो तो जोड़ा खुद को सामने लाने नहीं चाहता, वो पैसे दे चुका है और वो खुद को लो प्रोफाइल में रखना चाहता है। कुछ भी हो, ये जो कुछ हुआ ये चूँकि इसमें एक अच्छी बात है, बहुत तनकीद करते हैं हम इमरान खान पे, और ज़ाहिर है उनके गवर्नर्स और कारकर्दगी भी तनकीद करते हैं, लेकिन इस मामले में अगर वो इंटरफेयर नहीं करते तो शायद ये इतना कुछ होता भी नहीं। ये खुद खान साहब ने इंटरफेयर किया, वज़ीर आज़म ने, जिसके बाद ये मामला हाईलाइट हुआ। लेकिन जो पुलिस का बयान मुझे लगा आज कायमा कमेटी के सामने, वो लगता है कि वो उन्होंने कोशिश की है कि मुलजमान किसी ना किसी तरह सिक्योर किया जाए, बचाया जाए, और अगर यही स्टेटमेंट और यही कंडीशन रही तो ये उस्मान मिर्ज़ा जल्दी बाहर होगा। मैंने पहले भी शायद कहा था कि इसको सजा दिलाना आसान नहीं है, ये पुलिस जो है वो हमारी माशाल्लाह वो इसी तरह की चीज़ें निकालती है कि जिससे लोग पकड़े न जाए बल्कि रिहा हो। तो एक और जो है वो जो खातून है वो सामने आई है, वो भी कहती है जी कि उस्मान मिर्ज़ा काफ़ी अर्से से उसे हरासा करता रहा। ये भी आज मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश है कि सोशल मीडिया पर जो है वो उसने मुझे मेरे घर का एड्रेस मोबाइल नंबर भेजा और कहा कि उसके पास उसकी तमाम ज़ाती मालूमात है। यानी किसी खातून को टैक्स किया कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो, क्या क्या करती हो, मुझसे दोस्ती नहीं करोगी तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो बड़े अरसे तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। तो उसने साइबर क्राइम रावलपिंडी को दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये है एक्चुअली सिचुएशन। उस्मान मिर्ज़ा ये एक सिम्बॉलिक किरदार है इस मुआशरे का, और इसे ये कहते हैं रंगबाज किस्म का किरदार। अगर सब अगर जो लोग समझते हैं रंगबाजी क्या होती है, तो बज़ाहिर तो उसने ये रंगबाजी की, लेकिन वो रंगबाजी ऐसी उसके खुद के गले पड़ गई है जो कुछ उसने किया। और जो वीडियो मैंने देखी है वो उससे कहीं ज़्यादा हौलनाक है जो वीडियोज़ हम देखते हैं अमूमी तौर पर जो मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। तो इस पर मेरा ख्याल है कि खान साहब को एक बार फिर थोड़ा सा वो कहते हैं ना हिलानी पड़ेगी अपनी छड़ी, तो ही ये काम आगे बढ़ेगा, वरना उस्मान मिर्ज़ा नीवी नीवी गली होकर ना पतली गली से वो निकल जाएगा मासूम बच्चा टिकटॉक स्टार। तो ये है सारी सूरत हाल। तो दो छोटी छोटी खबरें हैं, खबरें बड़ी हैं लेकिन मैं उन्हें मुख्तसर करके पेश कर देता हूँ आपके सामने। एक तो ये है कि सिंध में कोरोना की वबा बढ़ गई है,
लेकिन उससे पहले आपको बताएं रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल पर एक बड़ी अहम गिरफ्तारी, बल्कि एक नहीं दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। और ये बड़ी अहम गिरफ्तारी है। बहुत सारी टीमें तफ्तीश कर रही थी रावलपिंडी रिंग रोड केस की, और ये कैप्टन महमूद ये भी पेश हो रहे थे नैब के सामने भी, एफआईए के सामने। नैब का तो मुझे पता नहीं पेश हुए कि नहीं हुए, लेकिन एफआईए और एंटी करप्शन के बारे में मुझे मालूम है कि वो तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने बुला के इनसे पूछगिछ भी की थी। इस इंक्वायरी टीम में कानूनी, तकनीकी और मुआशी माहरीन शामिल थे। और इसी ने एंटी करप्शन की टीम ने पहले महमूद साहब को पकड़ाया, क्या नाम है इनका, कमिश्नर जो है महमूद, कैप्टन महमूद। उसके बाद उन्होंने वसीम ताबिश को पकड़ा, ये लैंड एक्विजिशन करते हैं। जो पहले हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया था कि ताबिश, वसीम ताबिश, उन्होंने जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी की नहीं मानी और इस मनसूबे को एक्सटेंड भी किया। और बहुत से लोगों को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो कहते हैं लैंड एक्विजिशन के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो दे दिए। रावलपिंडी रिंग रोड का जो मनसूबा है वो तकरीबन 22 किलोमीटर था या इससे कुछ ज़्यादा था। तो ये 2017 में मुस्लिम नून के दौर में बना था, लेकिन जैसे ही मौजूदा हुकूमत आई तो किसी ने कहा कि चलो ये तो अभी अनाड़ी लोग हैं तो हम जरा काम दिखाते हैं, तो ये मनसूबा बढ़ाकर 65 किलोमीटर का कर दिया गया। तो रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की मंजूरी से शुरू किया गया था। तो इसमें चार रास्ते थे, चार ट्रैक थे, लेकिन मज़ीद 5 बना दिए गए। और जो नए ट्रैक बनाए गए, जो एक्सटेंड किया गया ये रोड, उसमें जो असल मसला था वो था बासर अफराद ने जो है वहाँ पे लैंड खरीद रखी थी। तो जैसे ही रिंग रोड उनके इलाके से गुजरी तो वो जनाब वो कहते हैं कौड़ियों की जो ज़मीन थी वो करोड़ों की हो गई। तो हाउसिंग स्कीमों और वो जो लोग थे वो हाउसिंग सोसाइटियों वाले सब टूट पड़े और उन्होंने वहाँ पहले ही ज़मीन ले रखी थी। तो बहुत से बासर अफराद शामिल थे, इनमें एक वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर का नाम भी आया, वज़ीर के मामले खुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी का नाम भी आया, साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह का नाम भी आया, और ये ज़ुल्फ़ी बुखारी तौकीर शाह रिश्ते में मामू भांजा है। तो ये सब ज़मीनें जब वो नई रोड निकली तो पता चला कि उनकी ज़मीनें वहाँ पर हैं। और उसके बाद ये फिर मामला जो है वो मीडिया में आया तो पता चला कि खास साहब को किसी ज़राए ने बताया कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। वो ज़राए के बारे में भी हमारी इतला ये कि शहजाद अकबर साहब थे, और शहजाद अकबर साहब को गुस्सा ये कि ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब उनके सेनेटर बनने की राह में रुकावट है। कुछ इस की बातें कंफर्म नहीं है, लेकिन ये भी सीना गजट है। और ये भी एक मामला है कि किसी ज़माने में एक झगड़ा हुआ था जिसमें शहजाद अकबर साहब के भाई का झगड़ा लैंड के मामले में हुआ था। साबक जो सदर रहे हैं और अब मिनिस्टर हैं मोहम्मद मियाँ सोमर, उनकी बहन की ज़मीन का कोई इशू था। तो ये उसमें जो डिप्टी कमिश्नर महमूद हैं इन्होंने पकड़ के दोनों को उठा के अंदर कर दिया था, शहजाद अकबर के भाई को भी अंदर कर दिया था। तो ये कोई पिछली राइवलरी भी चली आ रही है और ये मामला भी सामने आया। तो रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी कमेटी में जो मौजूदा कमिश्नर है गुलजार शाह, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर अनवारुल हक भी शामिल थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया कि उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए। तो डिप्टी कमिश्नर अटक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO डॉक्टर फरक, ये भी फारग हुए दस्तखत ना करने की वजह से। तो साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद को इंक्वायरी में सफाई का मौका नहीं दिया गया। खास साहब ने बुलाया था डिप्टी कमिश्नर को मोहम्मद महमूद को, कैप्टन महमूद को, कि आपने किसी के कहने पर रिंग रोड में तब्दीली तो नहीं की। तो उन्होंने कहा था जनाब तमाम काम मेरिट में हो, मैंने कोई तब्दीली नहीं की। तो खान साहब को इस पर भी गुस्सा है कि उन्होंने झूठ बोला, और फिर इसके नतीजे में ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को उनका नाम आया तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर रहना पड़ा। तो अब जाहिर है उन झाड़पूछ हो रही है तो ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को क्लियरेंस भी देनी है। तो एक ना एक कुर्बानी का बकरा तो बनना है, इनका नाम तो है, ये नहीं कि ये बेकसूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी मामला, लेकिन इनका जो असल कसूर है वो है वो जो झगड़ा हुआ था जिसमें उठा के उन्होंने दोनों पार्टियों को बंद किया था, और फिर उसमें जो है वो जाहिर है उनका कहीं ना कहीं किसी को मौका मिला बदला लेने का तो बदला लिए। तो रावलपिंडी रिंग रोड वो मनसूबा है जिसके पीछे कहानी कुछ और है और सामने कहानी कुछ और है। और जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं वो सब अब साइड लाइन पर हो गए हैं। कमिश्नर को उठा के उन्होंने कहा आप कसूरवार है, चूँकि आपने किया, हो सकता है वो इन्फ्लुएंस में आके किया हो, पैसे लेके किया हो, या इन्होंने नहीं भी किया हो, किसी और ने कराया हो, लैंड एक्विजिशन वाले ने कराया हो। तो दो गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो अभी इस पर मज़ीद जो है वो काम हो रहा है। और चलते चलते आखिरी खबर ये कि सिंध में कोरोना बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि सिंध में 10 रोज़ा लॉकडाउन की तजवीज़ जो है
वो भी दी गई है, लेकिन सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन ये किया कि तलीमी इदारे, तफरी मकामात, होटल, इंडोर डाइनिंग, ये सब बंद करने का फैसला किया है। और ये बताया कि जी सिंध में जो है वो रेशो बढ़ गई है और नए केसेस की शरह 7.4% हो गई है, और 13 जुलाई को जो है वो नए केसेस की शरह 17.11% थी, यानी बढ़ गई है, खासी बढ़ गई है। तो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान ये खासी राइज़ हुई है, जिस पर सिंध हुकूमत ने जो है वो खासी नई पाबंदियाँ लगा दी है, और इंडोर डाइनिंग जो शुरू हुई थी वो भी बंद की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों तब्सों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।